दोस्तों नमस्कार। अभी इस दौर में कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आईडी चेंज करके और कुछ हनी ट्रिप के माध्यम से कुछ लोगों को जो है फंसाना चाह रहे हैं, गुमराह करना चाह रहे हैं, तो इस विषय के संबंध में रतलाम मंडी के जो भाव की बोली बोलते हैं अर्जुन सिंह जी ठाकुर, वो कुछ कहना चाह रहे हैं और लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। तो इस मीडिया के माध्यम से पूछ लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इस संबंध में क्या जानकारी देना चाह रहे हैं। जय श्री राम सभी किसान भाइयों को। और मैं सबसे पहले तो आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जागरूक युवा भी हो सब सुने, इसमें अच्छी बात है। अभी वर्तमान में क्या है कि आईटी की बात रखी है हमारे आदरणीय धाकड़ साहब ने, तो मैं आईटी के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे कि मैं तो मंडी को छोड़ के बताता हूँ आपको कि हमारे गाँव धराण में अभी वर्तमान में एक मेरे पास अभी मेरा और क्या हमारे गांव का जो एक मुख्य अखाड़ा है श्री बालाजी व्यायामशाला धरान, उसमें अभी क्या है कि हमारे कुछ कम से कम 400 आदमी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो अभी वर्तमान में एक मेरे इस ग्रुप में ये मैसेज आया कि ये भैया पुलिस में है या नहीं है पता करें। तो मैंने कहा क्यों क्या हुआ, तो मेरे साथ क्या गलत हुआ। मैंने कहा मेरे को पर्सनल आप कॉल करिए। तो अभी मेरे पास भाइयों कॉल आया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पास मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मैंने पूछा भाई आखिर बता, खुल के बताएगा तो हम किसी को बोले और तेरा कुछ काम करा, तू ही नहीं बताएगा खुल के कि मेरे पास ऐसा ऐसा कॉल आया था। पहले पुलिस के नाम से और वर्दी पहन रखी थी और कॉल आया कि भैया ये नहीं वो नहीं, उसने फिर एक लड़की से उससे बात करने चली है, डर भी गया कि फिर ये कर देंगे वो। उसने नंगी होके कुछ उसके कपड़े भी उतारे, अश्लीलता करी उसने भाई। तो ये मतलब आप पहली बात तो आप जागरूक रहना चाहिए कि आपने क्यों खोले ऐसा काम। तो उसने जैसे कि करा होगा तो ऐसा कुछ वीडियो वो वायरल हुआ है, वायरल नहीं हुआ है मतलब ऐसे लोगों को हो रहे हो जो कि किसी को बता भी नहीं सकते अपने साथ गलत हुआ है। तो उनको डराते हैं कि यार आपके फेसबुक पे डाल दूंगा ना, आपके मित्र हैं 5-4 मित्र हैं इनको उनको डाल दूंगा। उससे क्या होता है भाइयों कि वो पैसे की डिमांड करते हैं, पैसे की। जैसे कि आज कोई भी कोई इंसान है, कोई गरीब है, उसको भी फंसाते हैं, वो उसकी इज्जत की तरह डरता है, ब्लैकमेलिंग करना चाहता है। तो उससे अभी वो बता रहा था कि शायद 10-11 हज़ार कुछ मेरे को बोला उसने कि बापू यार मेरे खाते में उसने डलवा लिया। मैंने कहा यार उसकी जानकारी निकालो, वो पुलिस में है कि नहीं है। तो मेरा कहना है कि आपने डाल दिया, आपके साथ फ्रॉड हुआ तो वो तो वास्तविकता ही वो तो नहीं होगा ना उसमें। अपन एक देखो तो अपन ही बेवकूफ बने, अपन ने पैसे क्यों डाल दिए पहली बात। तो आप मैं सभी से यही आग्रह करता हूँ कि ये चीज़ जो गाँवों में हो रही है इस पर भी आप थोड़ा सा इन फर्जी आईडियों पे ध्यान रखें। अपने वास्तविकता किसी अपने जिसको नहीं पहचानते हैं, कहते हैं कि मेरे आपका बैंक में ATM खराब हो गया है, ये हो गया है, तो अपने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दें। क्योंकि अपने को अगर वास्तविकता होगा तो लेटर आता है घर पे, या अपने मोबाइल चलाते हैं तो उसमें वो ब्लॉक हो जाता है कि यार ATM जब तक यूज़ नहीं करेंगे, जब तक अपना फोन पे भी नहीं चलता है, ऐसी चीज़ें होती है। तो अपन डायरेक्ट किसी का कॉल आया ना, अपने खाते नंबर नहीं दे देने कि यार मेरे तो पैसे चले गए, तो ऐसी चीज़ों से भी अपने अपने खुद ही समझदार लोग हैं तो अपने कोई समझाए। पहली बात तो ये मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अपन ही क्यों डालें उसमें, अगर डालेंगे ही नहीं अपन उसकी बात को एक्टिवता में लेंगे ही नहीं। क्योंकि भैया फर्जी अपन तो समझ जाओ ना कि फर्जी आदमी, अपन क्यों शिकार हो उस चीज़ का। सही है। तो मेरा ये कहना है आप सभी से कि आप सब सावधान रहें हर चीज़ से, जो अपने जिसको पहचानते हैं उसी का। अभी जैसे कि फेसबुक के माध्यम से भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो ये वर्तमान में जो स्थितियाँ गाँव में चल रही है, जो कॉल आ रहे हैं, अभी मैंने ये बात शेयर करी 2-4 जनों को। तो अभी मेरे को मैं चाय की दुकान पर गया तो वहाँ चर्चा करी 4-5 जनों की, मेरे मासा जी के साथ हो गया, हमें मेरे बुआजी के लड़के का साथ हो गया, हमें एक बोले कि मेरे पास साथ में हो गया, मैं अभी दराड़ लगाया तो दराड़ वाले कहा उसके साथ भी हुआ, उसके भी साथ हुआ 4-5 जनों को, उन्होंने भी मेरे को बोला। तो मैं आप सभी को सावधान कर रहा हूँ कि जो ये ऐसी घिनीना हरकतें जो कॉल आ रहे हैं, पहली बात तो अपन कॉल ही नहीं उठाए जिनको नहीं पहचानते हैं अपने, वीडियो कॉलिंग पर कॉल ही नहीं उठाए जिसका नंबर सेव नहीं हो। अगर अपन पहचानते हैं, अगर उसका फोटो आ रहा है तो वो बात अलग हो गई, लेकिन अचित्र और अचित्र फोटो जिसके आईडी किसकी और फोटो किसका, उन लोगों का पहली बात तो कॉल भी नहीं उठाए और सावधान रहे। मेरा तो यही कहना है आप सभी से, अगर इस चीज़ का कोई बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि आप सब जागरूक रहें। जय जवान जय किसान एवं
आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इससे लोगों में जागरूकता जरूर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।